अपने टीम के लिए बॉलिंग करते हुए, काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। नए बॉलर भावेश नागदा बहुत ही अच्छी डॉट गेंद के साथ में अपना स्पेल लाते हुए, वेरिएशन करते हुए अपनी गेंद में भावेश जोशी। लीजिएगा पिच नंबर एक का जो चार भुजा श्रीजी वर्सेज शिवाय के बीच में जो मैच चल रहा है उसमें पहली गेंद उठा के खेला है, बाउंड्री लाइन की ओर जाते हैं सीमा रेखा के पार, ये लगा बेहतरीन चौका सीमा रेखा पार। भावेश नागदा अपने स्पेल की अगली गेंद फेंकते हुए और यहाँ पे उठा के मार दिया है सामने की तरफ और यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग भावेश नागदा द्वारा, एक रनों से संतुष्ट होना होगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भावेश नागदा द्वारा, काफी पकड़ बना के रखी है टीम पे और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है कोटेश्वर सेना की ओर से। बिल्कुल, ये दिनेश के गेंद सामने है राहुल, राहुल ने अभी भी एक प्रहार किया था जिसमें चौका मिला था, चौके से श्री गणेश किया था। एक बार फिर तैयार दिनेश राहुल के लिए, उठा के खिलाना चाहते उतना अच्छा संपर्क ने सीधी सीमा रेखा की ओर जाते हुए फील्डर पीछे दौड़ते हुए और जब तक फील्ड होती इस बैट्समैन ने अपना काम पूरा कर दिया, एक रन और दूरता हुआ और ये खाते में लेग साइड में एक रन, काफी अच्छा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग है यहाँ पे फतेहपुर सुपर किंग्स की और कोटेश्वर सेना अभी लग रहा है कि प्रेशर में जूझते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है भावेश नागदा द्वारा, फील्डिंग का मुजहरा अच्छा देखने मिल रहा है यहाँ पे। स्ट्राइक चेंज होता हुआ सामने है विजय, बॉलिंग का भार दिनेश और नॉन स्ट्राइक पर है राहुल। दिनेश की गेंद विजय के लिए, विजय तैयार थे सूझबूझ के साथ चाहते थे गेंद लेकिन यहाँ पे एज लगती हुई और इसके साथ विकेट, ये उठा के खेला है स्ट्राइक। वहां पर फील्डर के रूप में मौजूद है डिप्पा कवर पर बाउंड्री लाइन पर जब तक फील्ड होती। इसके साथ पांचवा विकेट का पतन होते हुए एक बार फिर दिनेश, ये फुल टॉस गेंद उठा के खेला है फील्डर नीचे, डिसीजन पेंडिंग तीन खिलाड़ी नीचे और ये पहली सफलता यहां पर मिलती हुई श्री जी चार भुजा को, बेहतरीन विकेट यहां पर। 25 रन हुए हैं कोटेश्वर सेना के अभी तक और 30 रनों की दरकरार है यहां पे। राहुल के रूप में बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ, काफी खुश खुशी की लहर वहां पर यश भाई बधाई देते हुए अपने बॉलर को। बिल्कुल, अभी नए बैट्समैन के रूप में 8 बॉल में 30 रनों की दरकरार यहां पे कोटेश्वर सेना। शिवाय की ओर से ब्रिजेश तो स्ट्राइक संभालेंगे, नॉन स्ट्राइक पर है कोटेश्वर सेना को 8 गेंदों में 30 रनों की दरकरार है अपने टीम को जीत दिलाने के लिए और यहां पे काफी करीबी मामला हो सकता था कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद, बिल्कुल उठाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का संपर्क नहीं, सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, वहां पर अच्छी गेंद बिंदी गेंद डॉट गेंद बेहतरीन गेंद बोलते हैं इसको। 4 ओवर 25 रन, 4 ओवर 25, 6 बॉल में 30 रन चाहिए, 6 बॉल में 30 रन और पिच नंबर 2 पर भी बड़ा मुकाबला यहां पर हो रहा है। 25 रन, 4 ओवर 25 रन कोटेश्वर सेना के, 6 ओवर में 30 रन, कम से कम ये ओवर में 5-6 की जरूरत है तो आप अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। बिल्कुल दिनेश तैयार, ये उठा के खेला है फील्डर नीचे, डिसीजन पेंडिंग और ये दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ शिवाय को, बेहतरीन मछली जाल में फंसी कैच रिंग मैच। दीपक पुरोहित अपने स्पेल की पहली गेंद फेंकते हुए और ये आखिरी ओवर भी है यहाँ पे और सामने की तरफ उठा के मारा है सामने प्लेयर भावेश नागदा, काफी अच्छी फील्डिंग, एक रन अभी 29 रनों की दरकरार 5 गेंदों में और ये करीब करीब फतेहपुर सुपर किंग के खेमे की ओर बढ़ता हुआ मैच, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दीपक। इसी के साथ शिवाय का स्कोर पहुंचता हुआ मामला, एम्पायर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया यहाँ पे, विकेट हो सकता था
बच गए। एक ओवर के समाप्ति पर यहाँ पर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर आया, पर काफी अभी तक तो देखा जाए तो काफी अच्छी पोजीशन में है श्री जी, 4 भुजा 11। लीजिएगा अगला ओवर, 7 नंबर जर्सी पहने दीपक जोशी अपने स्पेल की अगली गेंद फेंकते हुए और सामने बल्लेबाज कोटेश्वर सेना के तैयार और उठा के मारना चाहेंगे, पर ये एम्पायर का इशारा व्हाइट गेंद हो सकती है और यहाँ पर व्हाइट गेंद दी है एम्पायर द्वारा और 1 रनों का और इजाफा होते हुए। बिल्कुल निखिल तैयार अपने कोटे का पहला ओवर, अपने टीम के कोटे का दूसरा ओवर लेके वहां पर सामने है एक ऑलराउंडर। और अगर कोटेश्वर सेना को जीत दिलानी है तो बड़े बड़े लंबे लंबे हिट की दरकरार है, यहाँ पे काफी लंबे लंबे हिट चाहिए और ऐसे मिस करने से काम नहीं चलेगा। फतेहपुर का खेमा एक बार और घोष जीत की ओर बढ़ते हुए, फतेहपुर के कप्तान ललित जोशी काफी खुश है आज। बिल्कुल थोड़ा फास्ट कीजिए सर, समय बहुत कम है, आज का शेड्यूल बहुत टाइट है, कृपया जल्द से जल्द मैच कराए, शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत सारे मैच कराने हैं। लीजिएगा निखिल की गेंद सामने है और हार्ड हिटर ये उठा के खेला है, बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद, कोशिश जारी हो, जब तक फील्ड होती नो का इशारा एम्पायर का। काफी अच्छी गेंदबाजी दीपक जोशी द्वारा और बहुत हद तक काफी मेहनत की है फतेहपुर सुपर किंग ने, ये मैच में पहले ओवर में काफी रन चले गए थे, उसके बाद वापस कमबैक किया और ये सामने की तरफ और राहुल जोशी के हाथ में और ये कैच, यहाँ पर बहुत ही शानदार कैच राहुल जोशी द्वारा, बहुत ही अच्छे और दो लंबे बाउंड्री से टच कैच पकड़े उन्होंने, सीमा रेखा की तरफ उठा के मारना चाहा पर उन्होंने काफी अच्छा कैच पकड़ा राहुल ने, बहुत ही अच्छा। कैप्टन ललित जोशी बहुत खुश होंगे आज, बहुत खुश है वैसे भी और ये जीत की तरफ अग्रसर है टीम। और पहली लो फुलटोस पर उन्होंने पहला झटका दिया था कोटेश्वर सेना को, काफी हद तक बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छे कप्तान भी है, ऑलराउंडर के लिए जाने जाते हैं और ये पहले मैच के दावेदार होंगे दीपक पालीवाल, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की अभी तक और नाबाद उन्होंने 38 रन बनाए, नाबाद काफी अच्छा योगदान रहा है पहले मैच में फतेहपुर सुपर किंग के लिए उन्होंने। और अपने स्पेल की अगली गेंद फेंकते हुए और ये उठा के मारना चाहा, यहाँ पर 1 रनों से संतुष्ट होना, दूसरे की मांग और 2 मिल भी जाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छा, सभी कैप्टनों से निवेदन है कि थोड़ी स्पीड बनाए रखें और सारा बाउंस गेंद, हाँ हमारे कमेटी का भी सहयोग बनाते रहे ताकि इसके बाद में बहुत सारे मैच करवाने हैं, ये मैच जीत लिया है। बिल्कुल आगामी मैच के लिए मैं 25 रन से फतेहपुर सुपर किंग्स ने यह मुकाबला जीत लिया है और काफी अच्छा, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कप्तान ललित जोशी, काफी हद तक बहुत खुश नजर आ रहे डिपेंडिंग चैंपियन, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे शंकर जोशी ने एक कैच छोड़ा पर वो उनके हाइट से ऊपर था, राहुल जोशी ने काफी अच्छे 2 कैच पकड़े, भावेश नागदा ने काफी अच्छा कैच पकड़ा और दीपक जोशी जो कि यह मैच के पूर्ण रूप से दावेदार है मैन ऑफ द मैच के लिए, काफी अच्छे रन बनाए इन्होंने, काफी अच्छी गेंदबाजी की, 4-5 विकेट इन्होंने लिए और बहुत ही अच्छे और काफी हमारे कोषाध्यक्ष साहब बधाइयां देते हुए सेवाराम जी जोशी और बहुत ही बढ़िया, इन्होंने पहला मैच डिपेंडिंग चैंपियन की तरफ जीत लिया है और काफी खुश नजर आ रहे हैं कप्तान ललित जोशी, बहुत बढ़िया। सेकंड पिच पे एसीसी अकोदड़ा और महादेव क्लब, कृपया करके अपनी फील्डिंग सजाए, जल्द से जल्द मैच चालू करना है समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल एम्पायर का इशारा के लिए हम खड़े हैं, देखते हैं क्या देते हैं और ये बेहतरीन 6 रन के लिए एम्पायर का इशारा, एक और बाहरी बड़ा शॉट यहां पर जोड़ता हुआ टीम के खेमे में, टीम के स्कोर बोर्ड में शिवा 11 के। काफी महंगा साबित होता हुआ निखिल का ओवर। एसीसी अकोदड़ा और महादेव क्लब से निवेदन है कि कृपया करके जल्द से जल्द पिच नंबर 2 पे अपना मैच स्टार्ट करें, फील्ड सजाए। बिल्कुल सर, प्लेइंग 11 के लिए एक खिलाड़ी को यहाँ पर भेजे एसीसी अकोदड़ा और महादेव क्लब से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए।
बिल्कुल, सभी टीमों से निवेदन कि हमारे कमेटी का सहयोग करते रहे और यूं ही इस होने वाले समाज के टूर्नामेंट को सफल बनाए। लीजिएगा निखिल की गेंद सामने है, ओहो उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा खा के सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट वाली गेंद यहां पर। धीरे धीरे प्लेइंग 11 के लिए कृपया स्टेज पे एक जन को भेजे यहाँ पे, एक बार फिर तैयार निखिल, उठा के खेला है फील्डर नीचे, कोई टाइमिंग सीमा रेखा से पर ये लगा चक्का सीमा रेखा पर, आपको दौड़ा और महादेव क्लब कृपया करके जल्द से जल्द अपने फील्ड सजाए। इस चौके के साथ में थोड़ा प्रेशर हल्का करता हूं यहां पर, काफी फतेहपुर सुपर किंग में खुशी का माहौल यहां पर। ये भी ग्राउंड नंबर पिच नंबर एक पर भी अच्छा मुकाबला है, चारभुजा सीरीज वर्सेस शिवाय के बीच में, इसमें से जो भी जीतेगा वो आज के पायदान के एक अंक तालिका में एक पायदान पर ऊपर जाएंगे। काफी बड़ा मुकाबला है, एक बार पुनः पधारे हुए समस्त बीसीएल सिक्स में हमारे समाज के भामाशाहों का, समाज बंधुओं का, मातृशक्ति का, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, जय हो। दीपक पालीवाल मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच दीपक पालीवाल, दीपक जोशी माफ करना, जो बल्लेबाजी का परफॉर्मेंस किया है आज देखने लायक बैटिंग यहाँ पर दीपक पालीवाल, दीपक पुरोहित बहुत ही यहाँ पर नागदा समाज के मैच आज सर्वश्रेष्ठ समाज, बैक टू बैक दो लंबे प्रहार यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर अच्छे अच्छे मैच देखने को मिल रहे हैं, काफी दिक्कत बल्लेबाज आए हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल परफॉर्मेंस। दो ओवर के समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 29 रन, लगभग 14.5 का एवरेज है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने, काफी खुशी शिवाय 11 में और बैटिंग का भार भी चार भुजा श्री जी, अभी तक तो देखा जाए तो तीसरा ओवर प्रगति पर है, फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग सजावट करते हुए यश भाई, बिल्कुल जो पिच नंबर दो का मैच प्रारंभ हो रहा है, उन दोनों कैप्टन से निवेदन है कि आपका अतिरिक्त प्लेयर यहां पर कॉम बॉक्स में भेजे प्लीज, पिच नंबर दो का जो भी मैच हो रहा है दोनों कैप्टन अपना अतिरिक्त प्लेयर भेजे, बॉलर नेम भाई 7 नंबर जैसे बॉलर नेम राकेश, ओके बिल्कुल, जो पीछे नंबर दो का मैच हो रहा है दोनों कैप्टन से निवेदन है आपका 12th मैन एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर कॉम बॉक्स में भेजो प्लीज, पीछे नंबर दो के मैच का धन्यवाद। इसके बाद में आर के क्लब कोलाथल वर्सेज छोटाला क्लब सेवंत्री, दोनों टीम कैप्टन यहां पर पधारे और आगामी मैच का टॉस करा रहे, हाँ काफी बड़ा मुकाबला यहां पर, जी जो टाइम स्पेंड हो रहा है समाज के कई बंधु यहां पर पधार रहे हैं, एक बार फिर से तैयार, ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना समझ नहीं पाया एम्पायर का इशारा, नो बॉल बिल्कुल, ये कर 4 रन टोटल 5 रन का मुनाफा मुजाफा बेनिफिट टीम के स्कोर बोर्ड में टीम के खाते में।
सर पीछे नंबर दो का कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आ रहा है, कमिटी पीछे नंबर दो को चल रहा है तो कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे प्लीज दोनों कैप्टन। हाँ फिर देखिए, अरे यहाँ पे इनसे मिलो। हाँ और कौन सा नहीं है भाई, चलो चलिए सर स्टार्ट कीजिए मैच। देखिए अपने भाई साहब समाज का मैच है, जितना आप सहयोग दोगे उतना। एक बार फिर उठा के खेला है ये लगा बेहतर अभी बिल्कुल। काफी बड़ा स्ट्रोक वहां पर, बड़ा शॉट। देखिए पीछे नंबर एक का मैच रोमांच होता हुआ यहां पर, अब इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 41 रन, 41 रन पीछे नंबर एक का स्कोर 41। एक बार फिर तैयार, छह नंबर जर्सी पहने अपने कोटे का ओवर, ये फुल टॉस गेंद थी, फील्डर नीचे कोशिश जारी और अच्छा कैच वहां पर, कोई चूक नहीं की, दो फुट दौड़ कर सोचा समझा पर का और प्लेटफॉर्म बनाकर अच्छी कैच वहां पर लपकी, एक और बेहतरीन कैच। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ शिवाय 11 का। शिवाय क्लब और श्री जी क्लब मंदार के बीच में यहां पर काफी बड़ा मुकाबला हो रहा है ग्राउंड नंबर एक के पिच पर, जिसमें एक बार फिर तैयार छह नंबर जर्सी पहने, ये अच्छी कोशिश वहां पर यस भाई द्वारा, लेकिन ओवर थ्रो के रूप में बड़ी अच्छी कोशिश वहां पर। एक बार फिर उठा के खेला है, फील्डर नीचे कोशिश जारी, तू चल में आया, ये शिवाय क्लब के बीच में होने हो रहा है और ये नो का इशारा एम्पायर का। हेलो चिक, हेलो श्रीराम, नो का इशारा, एम्पायर डिसीजन, लाहा डिसीजन और फ्री हिट बिल्कुल। हेलो चिक, यसी मारेगा जब आपको चाहने सीधी चार रन के लिए, एक और बेहतरीन चौका। तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 48 48 रन।
4 बिल्कुल अभी चौथा ओवर फेंका जाएगा, चौथा ओवर लाइव होगा। प्रहलाद बिल्कुल चौथा ओवर का भार अब कैप्टन ने प्रहलाद के क्या कंधों पर सौंपा है। क्या प्रहलाद यहां से एक विकेट दिला पाते हैं। ओहो फुलटस गेंद थी लेकिन इतना अच्छा वहां पर संपर्क नहीं हुआ बैट और बल्ले का। बेहतरीन गेंद बिंदी के रूप में डॉट के रूप में रूपांतरित होती हुई यहां पर। एक बार फिर हम चलते हैं फिर इस मैच के लाइव की ओर। चौथा ओवर प्रगति पर है, इसके बाद में एक ही ओवर फेंका जाएगा। अभी स्कोर 48 तक पहुंच गया है। एक बार फिर से उठा के खेला है, मिड ऑफ की ओर जाती हुई गेंद, वहां पर फील्डर मौजूद। बड़ा शॉट ला लेकिन उतनी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। धीरे धीरे स्कोर को बढ़ाते हुए ये चौथा ओवर रनिंग है सर, इसके बाद में एक ओवर और शेष है। प्रहलाद की ये गेंद इसी एक रन के साथ में 49 रन बैक टू 50। और फुलटॉस गेंद थी, सीधी विकेट अपना बाउंड्री लाइन पर फील्डर के हाथों में, कवर की दिशा में अच्छी कैच, वहां पर एक और बेहतरीन विकेट मिलता हुआ। काफी खुशी झलकती हुई यश भाई के चेहरे पर, खुशी मनाते हुए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर शिवाय क्लब का। और जो यहां पर सही जी क्लब बिल्कुल नए बैट्समैन जाते हुए क्रीज पर। और अभी तक का बॉलिंग का भार प्रहलाद के कंधों पर है। देखते हैं प्रहलाद ने एक सफलता दिला पाई है, दूसरे के लिए कर पाते हैं कुछ। प्रहलाद की एक गेंद, हेलो छिक 1 2 3। और मैं बात करूं ग्राउंड नंबर 2 की, पिच नंबर 2 की, तो वहां पे भी अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों का, एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। बढ़िया खिलाड़ी बैक टू बैक दो विकेट का पता नहीं, यहां पर सफलता मिलती हुई श्री जी मंदार को। काफी खुशी की लहर, जश्न मनाते हैं, जुनून मनाते हैं, खुशी की लहर जो अपने खिलाड़ियों के चेहरे पर। बैक टू बैक दो विकेट, सेकंड लास्ट ओवर है, चौथा ओवर प्रगति पर है। ग्राउंड नंबर 2 का स्कोर पहुंचा है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर 1-4। लीजिए राम चलते अभी ग्राउंड नंबर 1 का ये लाइव। बिल्कुल यहां से जो भी जीतेगा वो शाम को ये चमचमाते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा करेंगे। ये BCL 6 का आयोजन है, काफी बेहतरीन आयोजन है समाज के, ये समाज बंधुओं द्वारा, युवाओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा। एक बार फिर तैयार प्रहलाद, ये उठा के खेला है, कोई फील्डर नहीं, सी मारेगा गियर, सीधे ये बेहतरीन चरण सीमा रेखा पर, एक और चौका जोड़ता हुआ अपने खाते में शिवाय 11 के अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल चौथा ओवर प्रगति पर है, इसके बाद में एक ओवर और बचा है।
बिल्कुल सभी से निवेदन है थोड़ा फास्ट कीजिए, इसके बाद में बहुत सारा शेड्यूल टाइट है, सभी मैच खिलाने हैं। ऑफसाइड की ओर जाती हुई कमर दिशा की ओर बाउंड्री लाइन पर फील्डर पीछे दौड़ते हुए अच्छी कोशिश लेकिन नाकाम रही, सीधी सी मारे खापर, एक और चौका जुड़ता हुआ यहां पर टीम के खाते में, टीम के स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी हलचल होती हुई। इसी के साथ चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचना हुआ 57 रन, 57 रन पिच नंबर एक का स्कोर, चार ओवर 57 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी मैं बात करूं ग्राउंड नंबर 2 की, वहां पर भी बड़ा मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल ये लास्ट ओवर है, बिल्कुल डिसाइड कर रहे हैं लास्ट ओवर किसके कंधे पर दे, विचार विमर्श होते हुए शायद ये फाइनल। अभी तक तो गेंद यश भाई के हाथ में है लेकिन उन्होंने दे दी ये बॉल जर्सी नंबर 7, 57 रन है, 57 ग्राउंड नंबर 1 का स्कोर। और ये लास्ट ओवर कैप्टन ने सौंपा है ये जगदीश भाई, कौन है बॉलिंग, दिनेश, दिनेश ना, ओके लीजिएगा दिनेश की गेंद, वहां जब तक फील होती एक रन पूरा किया, अच्छी रनिंग बीटमैन द विकेट्स आर बोथ क्लियर, काफी शानदार प्लेसमेंट यहां पर दी। हेलो शेख श्री राम जय राम, ऑफ साइड की ओर घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हुए सिटी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के हाथों में। अभी तक तो देखा जाए तो काफी अच्छा स्कोर यहां पर तैयार किया है ए शिवाय क्लब ने, एक बार फिर तैयार दिनेश अपनी गेंद लेके, उठा के खेला है स्कोर लेग की ओर, बाउंड्री लाइन पर डीप स्कोर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा, अच्छी कोशिश वहां पर। फिर से एक बार दिनेश तैयार अपनी ये गेंद लेकर, और फिर उठा के खेला है डीप बैकवर्ड स्कोर लेग की ओर जाती है, इसी मारे का के बाद 6 रन के लिए, कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं, ये लगा बेहतरीन छक्का। इसी छक्के के साथ में टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 65 रन, 65 रन, काफी अच्छा स्कोर अभी तक का। दिनेश की गेंद, ये ऑफसाइड में गेंद थी लेकिन काफी खराब गेंद थी, एक रन और राइट का इशारा, अतिरिक्त रन के रूप में एक रन मिला और एक विकेट का भी यहां पर पतन हुआ। इसी के साथ ही छठा विकेट का पतन शिवाय क्लब का, बिल्कुल रनआउट के रूप में। हेलो जी, एक मिनट, स्कोर बोला 66।
विनोस्की अगेन और बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाती हुई बॉल सीमा रेखा के पार, कोई चार्ज नहीं, चार रन और ये जुड़ता हुआ शिवाय क्लब के खाते में। कितना हुआ इसको? 60 शिवा 11 ने 70 रन बनाए, 71 पर विन है। श्रीजी क्लब को जीतने के लिए 71 का टारगेट है, 71 रन निर्धारित इस पांच ओवर में। काफी बड़ा मुकाबला है लेकिन नामुमकिन नहीं है, कोशिश अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा यहां पर दोनों बल्लेबाजों को, ओपनिंग बल्लेबाजों को। बॉल खत्म। कितने? 26 26 बिल्कुल। अगले पॉइंट के लिए आरके क्लब कोठल वर्सेस छोगाला क्लब सुवंत्री, दोनों टीम कैप्टन पहुंचे, प्लीज अति शीघ्र आपके मैच का टॉच हो रहा है। आरके क्लब कोठल वर्सेस छोगाला क्लब सुवंत्री, प्लीज पहुंचे और आपका आगामी मैच का टॉच करावे। यहां पर हमारे खेल मंत्रालय से हमारे मेंबर हैं, प्लीज। ग्राउंड नंबर दो का स्कोर कितने पे चल रहा है लाइव बता दो, मैं बता दूंगा। अभी सपोर्ट नहीं करे तो डालो, अब कुछ भी क्या करेंगे। स्कोर बताओ, स्कोर कितने पे चल रहा है? 28 रन, बिल्कुल। ग्राउंड नंबर दो का स्कोर 28 रन है, बिल्कुल। लास्ट ओवर है, पांचवा ओवर, पांच विकेट। हाँ शिवाय क्लब जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट करा रहे प्लीज, और श्रीजी क्लब अपने दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर भेजे। श्रीजी क्लब यस भाई, आपने दोनों प्लेयर अति शीघ्र ग्राउंड में पर भेजे। और अगले पांच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आरके क्लब कुआथल वर्सेज छोगाला क्लब सेवंत्री, राधा कृष्ण क्लब और छोगाला क्लब सेवंत्री। जल्द से जल्द दोनों कैप्टन यहां पर कॉम्बॉक्स से संपर्क करें और आगामी मैच का टॉच कराकर आप हमारे कमेटी का सहयोग करें। हेलो ठीक, छोगाला क्लब सेवंत्री पधारो साहब फटाफट। आरके के आगे छोगाला क्लब सेवंत्री के कैप्टन, मेरी आवाज आप तक पहुंचती हो तो आगामी मैच का टॉच कराना है प्लीज। छोगाला क्लब सेवंत्री और टॉच के लिए झीलवाड़ा के हमारे शांतिलाल जी पधारो सर, आपके हाथों से आपके कर कमलों से आगामी मैच का टॉच होगा। शांतिलाल जी पधारो, झीलवाड़ा के हमारे समाज सेवी, हमारे समाज के वरिष्ठ शांतिलाल जी के हाथों से आगामी मैच का टॉर्च होगा। राजू भाई दोनों कैप्टन पधारे, आए क्या सर? और उन्हीं के साथ में हमारे उपाध्यक्ष साहब
हमारे खेल मंत्रालय से हीरा लाल जी साथ में और संपूर्ण युवाओं का ये जोश बढ़ाते हुए आगामी मैच का टॉस हो रहा है। मेवाड़ नागदा राजपूत ब्राह्मण समाज आप सभी का हार्दिक सहयोग अभिनंदन वंदन करता है। मैं भी आपके बीच में भरत सिंह राजपुरोहित सिरोही को कमेंट्री करने का अवसर मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन। आगामी मैच का टॉस हो रहा है आरके क्लब कुआथल वर्सेज चोगला क्लब सेवंत्री के बीच में। देखते हैं इसमें कौन टॉस जीत कर पहले क्या डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, और श्रीजी क्लब की ओर से भी दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर जा चुके हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यहां से श्रीजी क्लब को जीतना है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगला जो टॉस जीता है छोगला क्लब सेवंत्री ने और पहले फील्डिंग का डिसाइड किया और बैटिंग के लिए आरके क्लब कुआतल को आमंत्रित किया है। लीजिए अब हम चलते हैं लाइव मैच की ओर। ग्राउंड नंबर एक पिच पर जो लाइव मैच हो रहा है उसमें लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। एक बार फिर उठा के खेला है फील्डर नीचे, डिसीजन पेंडिंग और कोई गलती नहीं की। पहला बेहतरीन विकेट यहां पर झटका लगता हुआ श्री क्लब को बिना खाता खोले हुए पैदल की ओर लौट रहे हैं। निराश, काफी बड़ा प्रेशर यहां पर श्री जी क्लब को एक हार्ड हिटर के रूप में जो बिना खाता खोले बिना श्री गणेश किए हुए पैवेलियन लौटना अपने आप में एक मायूसी छा गई है। कहां गया वो, इधर बैठा था। ए स्कोरर कहां घूम रहा है, ये इधर है आजम। कौन आउट विष्णु ने पहली सफलता दिलाई है यहां पर काफी अच्छी पोजीशन में। अभी तक तो शिवाय क्लब जो श्री जी का बेहतरीन विकेट झटका और बड़ी मछली जाल में फंसाकर उन्हें पैवेलियन के राह दिखाई, काफी प्रेशर में है यहां पर श्री जी क्लब। बिल्कुल विष्णु की है अगली गेंद, ग्राउंड नंबर दो पर 36 रन हुए हैं और आपको टारगेट है 37 का। बिल्कुल निर्धारित पांच ओवर में एक बार फिर विष्णु, ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन जब तक सोचते समझते परखते विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के हाथों में। एक बार फिर उठा के खेलना चाहते थे, वही टाइमिंग वही प्लेसमेंट या बिंदी गेंद डॉट गेंद। बिल्कुल अभी तक तो प्रेशर बना हुआ है सर, अभी तक ये प्रेशर श्रीजी क्लब पर बना हुआ है। डॉट टू बैक टू बैक डॉट बॉल जा रही है और एक विकेट का भी आपका पतन हो चुका है। लीजिए एक बार फिर विष्णु, ये काफी बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा वाइट। एक बार फिर एम्पायर को अपने दोनों बाहर खोलने को मजबूर। विष्णु काफी घातक का बॉलर है। एक बार फिर उठा के खेला है, तीन फील्डर पीछे, क्या होता है अगर ये कैच होते तो काफी प्रेशर में रहते। कोई बात नहीं, ऐसे एक रन के साथ में स्ट्राइक चेंज होता हुआ, ये लकी आज अभी स्ट्राइक पर है श्री जी के महान बल्लेबाज ऑलराउंडर यस भाई। काफी अच्छी गेंद, नाखुश इस बॉल से यस भाई। अभी तक तो पिच नंबर दो का बैटिंग
बॉलिंग और बैटिंग वाले एक एक प्लेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहे पीछे नंबर 2 के। बैटिंग वाले हैं बॉलर, फील्डिंग वाले कौन सी टीम है फील्डिंग की? एसीसी, एसीसी आपको बुरा। ओवर हुआ क्या? इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 8 रन, 2 विकेट ना? 1 विकेट के नुकसान पर। सीजी क्लब का स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है ना? तरुण भाई आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजो पीछे नंबर 2 का जो मैच चल रहा है, फील्डिंग वाले कॉम्बैट में एक्स्ट्रा प्लेयर भेजे। और बल्लेबाज, ओपनिंग बल्लेबाज पीछे नंबर 2 के अतिशीघ्र ग्राउंड में प्रवेश करें। हेलो जी, हेलो, लीजिएगा दूसरा ओवर प्रगति पर है। ओवर तो हो सकता था लेकिन इसे खिलाड़ी ने संभाला। विजू की गेंद, वहां पर बड़ी विकेट कीपर की अपील, लेकिन एम्पायर ने सोचा समझा परखा और बारीकी से देखा ना एम्पायर डिसीजन। 8 रन पर लाइव है अभी तक, तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। एम्पायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, विजू विजू दूसरे ओवर का भार। एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन रहेगा प्लीज। हेलो, बिल्कुल खेल को खेल की भावना से खेले। देखिए ये मैच अपने परिवार का मैच है, अपने भाईचारा का मैच है, हार जीत तो होती रहती है लेकिन अनुशासन और पालना बनाए रखे प्लीज। ये तो उस पे क्रीज पे है। जगदीश रन आउट के रूप में, जगदीश का 1 विकेट। विजू की गेंद और फुल टॉस गेंद थी, जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया वहां पर स्क्वायर लेग में फील्ड की गई इस गेंद को। हाँ हाँ, पीछे की साइड और ये वहां पे कैच ड्रॉप हुई पीछे नंबर 2 के बॉलर नेम। तरुण भाई बॉलर नेम क्या है आपके? क्या नाम है? आकाश। ओके सर, धन्यवाद। एक बार फिर उठा के खेला है फील्डर नीचे और ये आसानी के से कैच वहां पर, पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद था, कवर पॉइंट में, कोई चूक नहीं की। बैक टू बैक विकेट का पतन होता हुआ, काफी प्रेशर में है यहां पर सीही क्लब मंडल। तो चल में आया यही रस्म निभारी है यहां पर और ग्राउंड नंबर 2 में चौका लगता हुआ 4 रन देते हुए स्कोर बोर्ड में। क्या बात है, अभी तक तो 10 रन पे 3 विकेट का पतन हो चुका है श्रीजी क्लब का और शिवाय क्लब अभी तक तो अच्छी पोजीशन में है। दूसरा ओवर प्रगति पर है।
लक्ष्य बहुत बड़ा है, यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है श्रीजी का, अपने श्रीजी के लिए, और अच्छी पोजीशन में है शिवा इलेवन, क्योंकि देखिए आपके पास में एक माउंट आबू पहाड़ जैसा लक्ष्य है, तो उसको अगर पूरा करना है तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के तैयार है, अच्छे साझेदार की जरूरत है यहाँ पर क्रीज पर, लेकिन ये वो साझेदारी पर यहाँ पर खरे नहीं उतर रहे हैं। बैक टू बैक तीन विकेट आपके बेहतरीन बल्लेबाज ऑलराउंडर बल्लेबाज द पवेलियन पर लौट चुके हैं, तो आपकी टीम एक खामा आपा खो देती है। लेकिन फिर एक बार फिर ये काफी अच्छी गेंद, इसी के साथ दो ओवर के समाप्ति पर श्रीजी का स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और जीत के लिए शेष 18 बॉल शेष है और लगभग 60 का रिक्वायरमेंट रन रेट है, 60 रन बनाने टोटल 18 बॉल में बहुत बड़ा लक्ष्य है, बिल्कुल 20.5 के एवरेज का रन रेट है, यहां पर पहाड़ जैसा स्कोर है, लेकिन कोशिश जारी है दोनों बल्लेबाज की, वहां पर जब तक क्रीज पर यश भाई है कुछ भी हो सकता है, हार्ड हिटर है, अपने टीम के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ा है, देखते हैं ये तीसरे गेंद लाइव हो रही है, ये ऑफसाइड में थी, जब तक यश भाई सोचते समझते परखते एक और रन आउट के रूप में विकेट, ये चौथा विकेट भी पवेलियन की ओर आता हुआ एक करारा झटका लगता हुआ यहां पर शिवा इलेवन को, हर्षिक श्रीराम काफी प्रेशर में है यहां पर श्रीजी क्लब, हेलो ठीक ग्राउंड नंबर 2 तरुण बॉलर मैन कल्पेश ओके कल्पेश हेलो कि कभी चल जलाओ तो कभी तूफान आएगा, बिल्कुल अगले तीसरा ओवर का भार विष्णु के कंधों पर है, विष्णु ने काफी सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए, शिवा इलेवन के लिए, शिवा क्लब के लिए, लेकिन भाई विष्णु की गेंद, लेकिन सर मैं बात करना चाहूं अभी तक यश भाई क्रीज पर डटे हैं उनकी सोच है कि मैं कैसे भी करके टीम को एक अच्छे स्तर पर लेके जाऊं, लेकिन यहां से अगर ये जीत की पारी खेलनी है तो यश भाई को कई बड़े शॉट लगाना जरूरी है, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा, आपका रन रेट एवरेज 20+ जा रहा है, तो आपको एक विराट कोहली और रिंकू सिंह बनना पड़ेगा सर, बड़े शॉट के इंतजार में आपकी टीम, आपके कोच, आपके मैनेजमेंट टीम, लीजिएगा विष्णु, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा विष्णु की भी, अभी तक तो पूरी तरह से टीम को बांधी हुई है, बड़े शॉट मारने के लिए कोई चांस नहीं दे रही है, ये काफी खराब गेंद और लाइन टू आउट अवैध का इशारा, एक और अतिरिक्त रन यस भाई पानी का ड्रिंक इशारा करते हुए, एक बार फिर तैयार विष्णु, एक बार विष्णु तैयार यस के लिए, उठा के खेला है वहां पर डीप में विकेट की और फील्डर मौजूद, एक रन से जरूर संतुष्ट होना पड़ेगा, अभी एक के दूसरे जाएंगे तो काफी खुश होंगे विष्णु, लेकिन एक के दूसरे से काम होने वाला नहीं है, यहां से अगर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को अगर पार करना है तो बड़े बड़े शॉट लगाना जरूरी है सर, यहां से आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा, रिंकू सिंह बनना पड़ेगा, जो एक ओवर में 5-5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी, क्योंकि आपका रन रेट एवरेज लगभग 20+ हो चुका है सर, यहां से
काफी बड़ी पारी खेलनी है, बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी साझेदारी तैयार करनी है। ले लीजिएगा एक बार फिर से तैयार, उठा के खेला है, कोई गलती नहीं की इस बॉल में, सीधे हाथों में एक और विष्णु की अच्छी बॉलिंग, यहाँ पर एक और बड़ा विकेट मिलता हुआ विष्णु को, इसी के साथ चौथा विकेट अपने नाम कर दिया विष्णु ने। लगभग आधी टीम पेवेलियन की ओर लौट चुकी है। बिल्कुल छोगाला क्लब 7-3, ये मैच जैसे समाप्त होता है फील्डिंग के लिए अपने पूरे खिलाड़ी तैयार रखे और आप पोजीशन ले ले प्लीज। एक बार पुनः पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का मैं आयोजन कमेटी की ओर से और आपके समाज के इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये मेवाड़ नागदा ब्राह्मण समाज का ये स्नेह सम्मेलन है, टूर्नामेंट में पधारे हुए मेरे समाज बंधुओं का मैं पुनः इस आयोजन कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है इस हमारे समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट में। बिल्कुल एक बार फिर विष्णु की गेंद और ये काफी खराब गेंद, एम्पायर का इशारा वाइट, एक और अधिक रन के रूप में यहां पर जुड़ता हुआ एक रन। हेलो छिक छिक, उठा के खेला है, मिडल की खेल नीचे कोशिश जारी लेकिन मिस फील्डिंग, सॉरी कैच ड्रॉप हुआ वहां पर। देखिए मैच में एक कैच महत्वपूर्ण होता है, पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन यहां पर ड्रॉप हो रही है कैच। एक और वाइट का इशारा, एक और अतिरिक्त रन यहां पर आता हुआ, एक और दिशाहीन गेंद वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा। हेलो छिक, बिल्कुल यहां पर आगे 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 आके उठाना चाहते थे, बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए सीधे बिल विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन, हाँ 5 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ग्राउंड नंबर 2 पर अगर कल्पेश इस ओवर में हैट्रिक लेता है तो 1100 रुपए श्रीमान प्रकाश जी भाई साहब पंडे की ओर से इनाम के रूप में दिया जाएगा। बिल्कुल अभी ग्राउंड नंबर 1 के जीत के लिए श्री जी को 12 बॉल में 55 रन, लगभग 25-26 का एवरेज है। कोशिश जारी है, कुछ भी हो सकता है सर क्रिकेट में, ये मैच पूरी तरह से शिवाय क्लब के खेमे में जा चुका है। हेलो हेलो कुंदन, बिल्कुल ये कुंदन की गेंद, ये काफी दिशाहीन गेंद थी, आउट ऑफ लाइन थी, एक रन जुड़ता हुआ। इसी के साथ 12 बॉल 51 रन जीत के लिए। बहुत 11 रन 11 रन ग्राउंड नंबर 2 का स्कोर, 2 ओवर 2 विकेट, 2 ओवर के समाप्ति पर क्या गया, चौका गया। ओह बिल्कुल एक और चौका, यहां पर थोड़ा प्रेशर हल्का होता हुआ। जय हो देखिए श्री जी क्लब अभी हार नहीं मानेंगे। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पूरी तरह से ये मैच शिवाय क्लब के झोले में जा चुका, लेकिन एक औपचारिकता बची है क्योंकि ये लास्ट ओवर है, सॉरी सेकंड लास्ट ओवर है।
और एक और दिशाहीन गेंद, यहाँ तो ओवर ओवर अपना बॉलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ। स्कोर कितना है अभी तो आपको 22 रन पर लाइव है यश भाई। और फिर उठा के खेला है बाउंड्री लाइन की ओर, जाते ही वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से सक्सेस होना पड़ेगा। डीप मिड विकेट पर वहां पर फील्डर मौजूद, ये चौथा ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल लक्ष्य बहुत बड़ा है, एक बार फिर उठाया है फील्डर नीचे, कोशिश जारी लेकिन ओ हो जब तक फील्ड होती दो रन पूरा किया यहां पर। लक्ष्य बहुत बड़ा लेकिन हार नहीं मान रही श्री जी फाइटर, हार नहीं मान रही अभी तक, तो लक्ष्य की और हम कुछ भी कर सकते हैं जब तक हम में है दम। ओह अच्छी बॉल, ऐसे ही बॉल को यहां पर जरूरी है शिवाय क्लब को जीत के लिए। अभी ये लक्ष्य और पहाड़ की तरह होता है, अगर ऐसी पोजीशन में आप बॉल को डॉट में रूपांतरित कर रहे हो तो काफी भारी पड़ रहा है यहां पर। और शिवाय क्लब का भी खिलाड़ी काफी खुश होंगे कि इक्का दुक्का जाने देंगे, इक्का दुक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ग्राउंड नंबर 2 का स्कोर पहुंचा है 18 रन 1 8 और तीसरा ओवर प्रगति पर है, 2 विकेट हो चुके हैं। एक बार फिर इसी के साथ ग्राउंड नंबर 1 का स्कोर पहुंचता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हेलो बिल्कुल 6 बॉल में 44 रन जीत के लिए चाहिए। मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हेलो शेक, काफी मुश्किल है यहां पर, 6 बॉल का गेंद गेम शेष बचा है और लक्ष्य भी बहुत बड़ा है 48 रन। अगला ओवर का भार नील जोशी उठा के खेला है, फील्डर नीचे है, वहां पर बॉल जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग की ओर, जब तक फील्ड होती और एम्पायर का इशारा नो बॉल जी सर। हेलो चिक 1 2 3 बिल्कुल एक बार फिर तैयार, सामने है यश, ये फुल टॉस गेंद थी लेकिन बीट हुए। इस मैच की औपचारिकता से बची है शिवाय 11 पूरी तरह से हावी हो चुकी है इस मैच पर। पांच बॉल और 42 रन जीत के लिए यश भाई को। ये काफी फुल टॉस गेंद, मैच 99% शिवाय क्लब के खेमे में जा चुका है, 1% औपचारिकता बची है। एक बार फिर तैयार नील, बैक टू बैक डॉट, वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन नील का। 3 बॉल 42 रन
तीन बॉल 42 रन। अभी तो करो या मरो का मुकाबला है, दिल्ली बहुत दूर है। और अभी उठा के खेला है, ये मिड ऑन की ओर बॉल जाती हुई, एक रन जरूर मिलेगा, एक ही रन से संतुष्ट। शेष दो गेंदों का खेल बचा है, इसे दो गेंदों में 41 रन की जरूरत है, नामुमकिन है। अभी तो भगवान इनको बचा सकता है, या फिर बारिश लाकर यहाँ पर मैच को रद्द किया तो ही बच सकते हैं, नहीं तो नामुमकिन है। टाई हो सकता है, कैंसिल हो सकता है अगर बारिश यहाँ पर आए तो, वो करिश्मा भगवान के हाथों में। बिल्कुल एक बार फिर उठा के खेला है, दो फील्डरों को पहुंचती, लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद, एक रन जरूर मिलेगा इसी एक रन के साथ में। एक बॉल का मैच शेष है और जीत के लिए चाहिए 40 रन, नामुमकिन है। ये मैच पूरी तरह से शिवाय और सामने है हार्ड हिटर, जाने माने खिलाड़ी या जोशी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। यस भाई के लिए गेंद और ये डॉट, बोल कृष्ण का लाल की जय। बिल्कुल